हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो में एक नई तकनीक आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको यूट्यूब पे क्या किसी ने भी नहीं बताई होगी, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कोई नहीं बताता। और शायद ये मेरे साथ ही कोई ऐसे इत्तेफाक हुआ कि मैंने ही ऐसे कोई तुक्का लगाया और एक ज़बरदस्त जो है एक मुझे तकनीक मिली, एक ऐसा जो है एक फार्मूला मिला कि आप लोग इस वीडियो पे देख के इस पे जो है 100% लाइक भी करेंगे इस वीडियो को, कि आप कैसे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप या किसी को भी हम भेज के जो है सोशल लिंक या फेसबुक पे, इसी तरह मैं बात ये करूंगा, फेसबुक पे हम किस तरह जो है सोशल लिंक शेयर करके ऑर्गेनिक व्यूज ले सकते हैं, मतलब गूगल की तरफ से हम व्यूज ले सकते हैं। अगर आपका फेसबुक पे लिंक ब्लॉग भी है फिर भी आप व्यूज ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाह रहे हैं जी मैं ऑर्गेनिक व्यूज लेना चाहता हूँ ताकि मेरे एडसन पे एड लिमिट भी ना लगे, क्योंकि सोशल व्यूज लेने से जो है फेसबुक तो लेने से सीपीसी भी एक तो कम मिलती है और दूसरा ये है कि एड लिमिट भी लग जाती है, तो इससे कैसे जो है बचा जाए, कैसे जो है ऑर्गेनिक व्यूज लिए जाए जिससे जो है एडसन भी हमारा सेफ रहे और हमें व्यूज मिलते हैं। बहुत जबरदस्त ये ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इस फायदा होने जा रहा कि हम कैसे जो है व्यूज लेंगे ऑर्गेनिक, क्योंकि अगर आप देखें पहले तो मैं यही कहूंगा आप वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि जो जबरदस्ती जो ट्रिक है आपको जो है आपके माइंड में भी नहीं होगा, आपको पता होगा लेकिन आपने माइंड में नहीं होगा कि यार इस तरह भी हो सकता है, जो आप डेली जो है इसको यूज भी करते होंगे कि गूगल में जाके आपने जो है इसको लिंक को लिखना होता और अपनी वेबसाइट का, और ऊपर से जो है यूआरएल आपने जाके उसको बिटले में जाके शॉर्ट करना होता। ये फिलहाल मैं आगे जाके लैपटॉप पे जाके आपको दिखाता हूँ ये कैसे आपने जो है लिंक शेयर करना है। उससे पहले मैं यही कहूंगा कि लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के साथ इस तरह की नई ट्रिक शेयर करता रहता हूँ, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा क्योंकि आज इस वीडियो से आपको काफी फायदा होने जा रहा है और एक काफी जबरदस्त आपको ट्रिक मिलने जा रही है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे जी हम आ चुके हैं और बात हो रही थी कि कैसे हम सोशल जो है प्लेटफॉर्म पे अपना लिंक शेयर करके वो कैसे जो है ऑर्गेनिक व्यूज या गूगल के जो व्यूज होते हैं वो हम कैसे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक ट्रिक आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप ये देखें, मैं ये अपनी ही वेबसाइट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ यहाँ पे, तो ये वेबसाइट अगर मैं चाह रहा हूँ कि जी इसको मैं दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँ इस वेबसाइट को, तो इससे मुझे जो है वो फेसबुक पे मैं शेयर करूँ तो इससे जो ओपन करेंगे वो लोग तो मुझे जो है ऑर्गेनिक व्यूज आना चाहिए। अब वो कैसे आएंगे, तो ये देखिए जी ये नाम आ रहा है, नाम नहीं करना, इस तरह ये कॉपी कर लेना, इतना सा हिस्सा इसका नजर आ रहा है आपको, इस तरह जो tayyab.org लिखा हुआ, इस तरह आपकी भी कोई वेबसाइट है तो आपने भी इतना सा हिस्सा कॉपी लाजमी का, अगर .com में है तो .com आगे आपने वो हिस्सा कॉपी करना है। मेरे पास मेरी जो है ORG में थी डॉट, तो मैंने इतना हिस्सा कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी किया। अब इसी जगह में मैं करूंगा गूगल को ओपन करूंगा, यहाँ पे मैंने गूगल यहाँ पे ओपन किया, ये रहे गूगल सामने आ चुके। अब मैं गूगल में जाके जो है वही जो मैंने कॉपी किया हुआ था, सॉरी पूरा लिंक कॉपी हुआ, इतना सा आपने जो आपकी वेबसाइट उतना हिस्सा आपने कॉपी करना है। देखिए मेरा इतना, यानी कि आपने www साथ यूज नहीं करना, और अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है जैसे अगर tayyab.com है तो .com यूज करेंगे, अगर कोई भी आपकी वेबसाइट कोई और है जिसमें .com आ रहा है या .pk आ रहा है या .in आ रहा है तो आप वो साथ यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में, तो आपकी जो इतना हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद आपने करना ओके। देखिए जैसे ही हमने ओके किया तो देखिए जी मेरी ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर आ चुकी है, उसका सारा यहाँ पे शो हो रहा है, ये फर्स्ट नंबर में वही है वेबसाइट, ये सारी चीजें उसके नीचे नजर आ रही है आपको जो भी थी उसकी, ठीक है। अब जी आपने क्या करना, ये जो ऊपर URL आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको आपने करना है कॉपी, कॉपी किया इसको, फिर आपने किसी भी URL जो शॉर्टनर होते हैं वहां पे चले जाना है। मैं ज्यादातर जो है बिटले यूज करता हूँ, तो बिटले में आके यहाँ पे URL को जो है शॉर्ट करता हूँ, वो देखें इतना बड़ा URL था जो लिंक था ऊपर वाला, उसको शॉर्ट किया वो देखें छोटा सा हो गया, इसका चाहे आप नाम चेंज कर लें या जो भी इस तरह रख के इसको कॉपी कर लें यहाँ से, ठीक है, लिंक कॉपी हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ फेसबुक पे इसको मैं शेयर करूँ, फेसबुक पे शेयर करने के लिए जी मैं यहाँ पे एक पेज पे आ चुका हूँ, ये देखें क्रिएट पोस्ट पे हम आगे क्लिक करते हैं, समझे कि पेज है उस पर शेयर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जी मैं वो लिंक यहाँ पे पहले मैं कहता हूँ जी विजिट लिंक, और आगे मैं वो लिंक कॉपी कर दिया, देखिए उतना सा लिंक जो है मैंने वो जो मैंने शॉर्ट किया था वो फेंक दिया मैंने, और ये विजिट लिंक कर दिया। आप जो भी इसको जिस तरह मर्जी आप इसको हेडिंग वगैरह जिस तरह मर्जी दिखाना चाह रहे हैं के साथ कुछ आप अपनी कोई इंग्लिश मारना चाह रहे हैं तो वो लिख सकते हैं, साथ उर्दू में कुछ लिखना चाह रहे हैं या हिंदी में कुछ लिखना चाह रहे हैं, साथ इमेज वगैरह यूज करना चाह रहे हो आपकी मर्जी, मैं तो अभी जरा
वीडियो में आपको सिर्फ सिंपल डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि ये देखें जी, उसके बाद हमने नीचे कर दिया पोस्ट पे क्लिक। अब ये जो है लिंक हमारा यहाँ पे पेज पे पोस्ट हो जाएगा। अब हम उसको ओपन करके देखेंगे कि वो कहाँ जाके ओपन होता है। तो मैं अभी क्रॉस कर देता हूँ इसको भी। तो ये देखें जी, यहाँ पे वो लिंक हमारा ये आ चुका है। ये अभी आप इसको क्रॉस भी कर सकते थे, इसको अगर आप नहीं शो करना चाह रहे थे क्रॉस के बटन पे क्रॉस कर देते तो ये ना आता, यहाँ पे शो ना होता। या आप इमेज यूज करेंगे तो इमेज की जगह इमेज यूज यहाँ पे नजर आएगी, ये नजर नहीं आएगा। तो इसका आपने कोई टेंशन नहीं लेना कि जी ये क्यों आ गया नीचे। तो अब जी एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो लिंक आपने देखे सोशल पे सेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे मेरी तो वेबसाइट है, मुझे तो सोशल व्यूज आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे हमें ये गूगल पे ले जाएगा और वहां पे जाके वही चीज दिखाएगा जो मैं आपको दिखा रहा था अपनी वेबसाइट का। ये देखिए वो चीज। अब जो लोग ओपन करेंगे उसको उनने ये चीजें नजर आएंगी तो वो क्या करेंगे, चलो इससे ओपन नहीं करते। अगर आपने कुछ लिखे ऊपर ओपन कराया तो लोग ऐसे फेसबुक पे जो भी आवाम है वो देखेगी ओपन करके कि अगर वो यहाँ पे नहीं ओपन करती तो नीचे और सारी चीजें नजर आ जाएंगी उस हवाले से, वो उसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो किसी एक पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट पे लाजमी आ जाएगा। जब वेबसाइट पे आएंगे तो जाहिर है ये गूगल के आए हुए थे हम, तो गूगल के जरिए से ही वो आगे जा रहा है। तो मतलब गूगल के व्यूज आपके यहाँ से काउंट हो गए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार इस तरह ये तरीका यूज करके गूगल एनालिटिक्स में जाकर देख लीजिएगा, आपको ऑर्गेनिक व्यूज ही आपको वहां पे शो करवाएगा। इससे अगर आपका फेसबुक पे आपका अगर लिंक ब्लॉक है, कोई आप लिंक शेयर करें वो ब्लॉक हो गया फेसबुक पे, वो भी आप इस तरह शेयर कर सकते हैं। या फिर आप चाह रहे हैं जी और अपनी वेबसाइट अप्रूव कराने के लिए एडसन से ऑर्गेनिक व्यू लेना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप एडसन भी अप्रूव जो है करवा सकते हैं, ऑर्गेनिक व्यू आ जाते हैं। तो ये सारा तरीकेकार है मेरी तो ये वेबसाइट। अगर इसी तरह आप कोई और भी यहाँ पे अगर जॉब चार्ट ठीके यूज करो, इस तरह कोई भी वेबसाइट हम यूज करें तो देखिए इस तरह की वेबसाइट आ जाएंगी। ये सारी वही देखें, अब ये दो नंबर पे आ रही है, आपने वही यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो ये जब शेयर करेंगे तो ये चीज शो होगी लोगों के पास। ये आपकी पहली ये थी job.pk, तो वो या तो इस पे क्लिक करेगा या फिर इस पे क्लिक करेगा, तो ऐसे जो है आपकी जो ऑर्गेनिक यूज ले सकते हैं। तो ये है सारा इसका क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, आपके माइंड में ये चीज बैठ गई होगी कि यार हम ऐसे इसको और अच्छे तरह करके इसको हम अच्छे से हम जो है वो ले सकते हैं, इस तरह भी ऑर्गेनिक व्यूज आ जाते हैं। तो मैं खुद जो है, हम तो भाई वेबसाइट जो जितनी भी हमारे एडसन की वेबसाइट है हम सारी इस तरह ही अप्रूव कराते हैं इसी तरीके से, और इससे बहुत सारे व्यूज आते हैं। सोशल पे फेंकते हैं वहां से व्यूज आना शुरू हो जाते हैं और यूं फिर हम जो है अप्रूवल भी मिल जाता है और जो है एडसन भी खुश हो जाता है जी, बाकी ऑर्गेनिक व्यूज है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।